हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो दिस इज कार्विका एंड यू आर वॉचिंग क्रिएटिव कार्विका। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिंत्रा कुर्तीज हॉल। आप ऑलरेडी थंबनेल से देख चुके होंगे, बट इस वीडियो में मैंने किया है थोड़ा सा मेकअप। आई मीन थोड़ा सा तो हमेशा करती हूँ, बट थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ यू वॉन्ट टू सी। सो आई थिंक ये भी थोड़ा लाइट ही है आपको, आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं, बट और इसके साथ मैंने पहने हैं ये सुंदर से इयररिंग्स, जो कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ऑफलाइन लिए हैं। बट या मुझे बस आपको दिखाने का मन कर रहा था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अगर आप ऐसे इयररिंग्स लेना चाहते हैं तो आप सरोजिनी नगर जा सकते हैं, और अगर आपको मुझ पर इयररिंग अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। सो आई हैव परचेज सो मैनी कुर्तीज, आई मीन ओनली 6 कुर्तीज फ्रॉम मिंत्रा, और ये सारी की सारी हैं कॉटन की, और इनमें से कुछ कुर्तीज़ को मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। सो इनकी क्वालिटी आफ्टर वॉश कैसी हुई इनको, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत बार वॉश भी कर दिया है, और इसका कलर, इनके कलर्स फेड हुए या नहीं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो या ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेट गेट स्टार्ट द वीडियो और बात करते हैं फर्स्ट कुर्ती की। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे मेरी फेवरेट कुर्ती से, विच इज़ दिस। ये वाइट कलर की बेसिक कुर्ती है एंड इट्स फैब्रिक इज़ कॉटन। सारी की सारी कुर्तीज़ जो हैं वो कॉटन की हैं, सो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इट्स स्टाइल इज़ फिट एंड फ्लेयर, आई मीन ये ऊपर से फिट है, नीचे से फ्लेयर है, जो कि पहनने में थोड़ा सा यूनिक लगती है। और इसको आप एज अ कुर्ती की बजाय इसको आप एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट क्लिप में आप इसे देखेंगे। इसमें मेरा साइज़ है साइज़ एस, स्मॉल साइज़ में मैंने इसे लिया है। गाइस, इन सारी कुर्तीज़ के प्राइजेस मुझे याद नहीं है, सो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी, सारे प्राइजेस आप देख सकते हैं। बट ये सारी की सारी कुर्तीज़ जो हैं वो 1100-1100 के अंदर हैं, उससे ज़्यादा की कोई भी कुर्ती नहीं है। और इसको मैंने एक दो बार वॉश किया है, और इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा थिक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बिफ़ोर वॉश और आफ्टर वॉश एज इट इज़ है, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। और इसका ज्योमेट्रिक प्रिंट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगता है, और दिस इज़ द रीज़न बिकॉज इसका प्रिंट है जो, जिसकी वजह से ये मेरी फेवरेट है, बिकॉज ये थोड़ा सा फूल पत्तों से अलग है। सो गाइज, आर नेक्स्ट कुर्ती इज़ दिस, विच इज़ फ्रॉम इंडो इरा, और इसमें भी मेरा साइज़ है स्मॉल। और अगेन ये भी कॉटन की कुर्ती है, बट बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट हाइट ये मेरे को एज अ मैक्सी आती है, बिल्कुल मेरे पैरों तक आती है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉडल के ये मॉडल इसको एज अ कुर्ती ही पहन रही है, लेकिन मुझे इसके साथ नीचे प्लाजो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज वो दिखाई ही नहीं देता। तो अगर आपकी हाइट भी कम है तो आप भी इसको एज अ मैक्सी पहन सकते हैं, एज अ मैक्सी भी बहुत ही अच्छा लुक देती है। और इसमें यहाँ पे जो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, जैसे स्कूल की हमारी स्कर्ट में हाँ प्लेट्स हैं, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देती हैं, बट वो सेम ऐसा मैक्सी में ही होता है, तो थोड़ा सा मुझे मैक्सी का लुक देता है। बट इसका प्रिंट और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो कपड़ा है ये समर फ्रेंडली है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, तो अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो आप इस कुर्ती के साथ जा सकते हैं। या सो अब देखिए कि ये मुझ पर कैसी लगती है।
आई होप गाइज आपको ये दोनों कुर्तीज मुझ पर बहुत अच्छी लगी होंगी. सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, जो कि है कुर्ती सेट एंड ये है गर्ल्स का फेवरेट कलर, पिंक कलर. एक्चुअली इट्स नॉट अ पिंक, ये पीच कलर जो कलर है जो कि मेरा फेवरेट है एंड दिस इज़ फ्रॉम लिवास. और इसमें भी मेरा साइज है साइज एस. ये भी स्मॉल साइज में मैंने लिया है बट ये थोड़ा सा मुझे लूज है. और ये इस तरह के प्लाजो के साथ आया है, इसमें नीचे प्रिंट है. आप चाहें तो इस कुर्ती को अकेले भी खरीद सकते हैं और इस प्लाजो के साथ भी ले सकते हैं. आप चाहें तो इसको लेगिंग के साथ भी कैरी कर सकते हैं. अगेन ये भी कॉटन है और बिकॉज इस पे थोड़ा सा सिल्वर कलर का वर्क है तो आप किसी प्री फंक्शन में भी इसको पहन सकते हैं. बट अदरवाइज इससे पहले वाली दो कुर्तीज मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज आई फील कि ये मुझे थोड़ा सा आंटी वाला लुक दे देता है. सो अब नीचे कमेंट मत करना कि यू आर ऑलरेडी आंटी. बट या सो ये भी कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है तो अगर आप लोगों को कॉटन बहुत पसंद है तो ये भी अच्छी लग सकती है आपको. अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ ये क्लिप देखें. हमारी नेक्स्ट कुर्ती का है थोड़ा सा कलर डिफरेंट, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है. ये बहुत ही कैची कलर है और आजकल बहुत ज़्यादा इन है. सो ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट ना करते हुए हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कुर्ती विच इज़ दिस. सो या गाइज इट्स अ डिफरेंट कलर, आई मीन ये लाइट ग्रीन कलर, तोतिया कलर. हाँ या इट्स तोतिया कलर. ये तोतिया कलर लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नियॉन कलर्स हैं ये. सो इसका जो प्रिंट है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये सबसे इन सारी कुर्तीज़ में जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है वो इसी का है, जो कि और ये सबसे ज़्यादा सस्ती कुर्ती भी है. सो गाइज हमारी नेक्स्ट कुर्ती है ये, और ये मेरी फर्स्ट कुर्ती जितनी ही फेवरेट है या आप सेकंड नंबर पे कह सकते हैं. और ये भी फिट एंड फेयर शेप में ही है और इसका ज्योमेट्रिक प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो है इसका कलर कॉम्बिनेशन. तो ये बहुत ही सेटल कलर है, हर किसी पे ये सारे कलर्स इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं. बेसिक कलर है, कोई तड़क भड़क नहीं है. आपके ऑफिस वेयर में वैसे तो ये सारी कुर्ती चलेंगी बट ये थोड़ा सा आपको एलिगेंट लुक दे देता है. सो इसमें मेरा साइज़ है एस और ये अनूक बाय मिंत्रा, आई थिंक ये मिंत्रा का ही ब्रांड है, उसकी तरफ से है. और ये सारी की सारी कुर्तीज़ जो हैं मेरे स्मॉल साइज़ में हैं. तो अगर आपका बॉडी शेप मेरी तरह है, अगर आपका फिटिंग मेरे जैसी है तो आप स्मॉल साइज़ या एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी जा सकते हैं. और ये भी कॉटन की कुर्ती है और सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे यही पहन के लग रही थी. और अगर आपको भी मुझ पर यही कुर्ती सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. बट उससे पहले देखो तो सही ये कैसी लग रही है. सो गाइज अब हम बात करेंगे आज की हमारी आखिरी कुर्ती की. और जो जितने भी समझदार लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी समझ चुके हैं वो कुर्ती ये है जो मैंने पहनी हुई है. इट्स नॉट अ कुर्ती, इट्स अ कुर्ती अ सेट जो कि कॉटन का है. और इसको सबसे ज़्यादा पहना गया है और इसको बहुत ज़्यादा वॉश किया गया है. और इसकी आप यहाँ देख सकते हैं इसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है. और ये ऑफिस गोइंग कुर्ती है, सारी ऑफिस गोइंग कुर्ती हैं. और इसके साथ प्लाजो है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. और इसमें भी यहाँ पे प्लेट्स हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे देती हैं आपकी बॉडी को. और इसके ये है स्लीव्स जो हैं, ये थोड़ा सा आजकल यही साइज़ की स्लीव्स चल रही हैं आपकी एल्बो तक. आई डोंट नो इसका ब्रांड क्या है, तो इसका ब्रांड आप यहाँ पर देख सकते हैं. Oh, 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 oh
गाइस, तो ये थी हमारी सारी मिंत्रा की कॉटन की कुर्तीज़ जो कि सारी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आई होप इनमें से आपको कोई ना कोई कुर्ती तो इतनी पसंद ज़रूर आई होगी कि आप उसको अब बाय करने वाले हैं। और अगर आप देखने वाले मेल हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए इनमें से कोई ना कोई कुर्ती ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई कुर्तीज़ एंड दिस वीडियो। तो इसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हो सकती है किसी अच्छे से प्रोडक्ट का रिव्यू या फिर कहीं घूमते हुए। तब तक के लिए खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। बाय बाय।